खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए 700 बेड वाले एक और अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। बुराड़ी इलाके में शुरू किए गए इस अस्पताल को फिलहाल 450 बेड के साथ शुरू किया गया है। दावा है कि यह हॉस्पिटल कोरोना से लड़ाई में कारगर साबित होगा। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो दिल्ली में कोरोना का इलाज फिलहाल 5 अस्पतालों में किया जा रहा है, लेकिन कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते देख दिल्ली सरकार ने बुराड़ी में 450 बेडों का एक और कोविड अस्पताल शुरू किया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। जबकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हॉस्पिटल पहुंचे और दावा किया कि दिल्ली सरकार की कोशिश से कोरोना जल्द कंट्रोल में होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बुराड़ी में 450 बेड कोविड हॉस्पिटल के अंदर स्टार्ट किए गए हैं। बुराड़ी के अंदर ये दिल्ली के अंदर कोविड से लड़ने के लिए बहुत बड़ी हमारी, मैं कहता हूँ, तैयारी है। दिल्ली सरकार ने शुरू से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के ऊपर हमेशा से पूरी तैयारियाँ आगे के हिसाब से करके चल रहे हैं। अभी भी हम तैयारियाँ पूरी रखेंगे। दिल्ली में पॉजिटिविटी कम हुई है, केसेस कम हुए हैं, पर वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड्स। हम अपनी तैयारियों को कम नहीं कर सकते हैं। अभी हम निश्चिंत होकर घर में नहीं बैठ सकते हैं, अभी हमें सारी तैयारियां करके रखनी है और इसी श्रृंखला में आज से कोविड अस्पताल बुराड़ी में स्टार्ट किया जा रहा है। वैसे तो 700 बेडों का ये अस्पताल सभी तरह की बीमारियों के इलाज के लिए बनाया गया है, लेकिन हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिलहाल इसे कोविड के लिए ही डेडिकेटेड हॉस्पिटल में बदलने का फैसला किया, जिसमें 50 आईसीयू बेड, 10 वेंटिलेटर, 150 ऑक्सीजन बेड की सुविधा मौजूद है। बुराड़ी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हमारे साथ हैं। सर, आज ये हॉस्पिटल का जो स्टार्टिंग हुई है, क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, किस तरीके से रहेगा? देखिए, आज ये हम लोग इसको कोविड हॉस्पिटल के तौर पर इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। लगभग 450 बेड का ये हॉस्पिटल है। ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। लगभग 150 बेड हमारी कोशिश है कि ऑक्सीजन के तौर पर उपयोग किया जाए इसको। तो पूरी कोशिश है कि ये कोविड की जो लड़ाई दिल्ली सरकार पूरी मुस्तैदी से लड़ने की कोशिश कर रही है, तो उसी का आज ये एक और आप अंग कह सकते हैं कि बुराड़ी विधानसभा के लोगों को बाहर न जाना पड़े, और अगर कोई कोविड कोरोना से पीड़ित होते हैं, किन्हीं कोरोना होता है और भगवान न करे कि वो सीरियस हों, ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हैं, और दिल्ली में देख ही रहे हैं कि लगभग 5% रह गया है अब ये जो रेट है पॉजिटिव होने का, तो उम्मीद करता हूं कि जो दिक्कत पिछले 3-4 महीने में लोगों ने झेला है वो दिक्कत ना आए। कब से शुरुआत होगी, कब से पेशेंट आने यहाँ शुरू हो जाएंगे? उद्घाटन पूरी तैयारी है हमारी, उद्घाटन का हम इंतजार कर रहे थे, आज उद्घाटन हो चुका है, तो उम्मीद है कि आज शाम से या कल से आपको पेशेंट देखना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर्स की देखी जाती है, तो यहाँ किस तरीके से व्यवस्था करी गई है कि डॉक्टरों की समस्या ना हो, स्टाफ की समस्या ना हो? देखिए, हमारे पास अभी लगभग 40-50 डॉक्टर्स ऑलरेडी कुछ हॉस्पिटल से आए हैं, कुछ अम्बेडकर हॉस्पिटल से आया है, कुछ जगजीवन राम हॉस्पिटल से आया और अलग अलग हॉस्पिटल से कुछ स्टाफ्स आए हैं, साथ में कुछ हायरिंग भी चल रही है। तो कोशिश हमारी यही है कि जो दिक्कत बाकी जगह झेलने को मिलता है वो दिक्कत का सामना यहाँ ना करना पड़े। सब एक सवाल पूछ रहे हैं इनॉग्रेशन के बाद से कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरीके का यहाँ पे देखने को मिला, उसको लेकर क्या सबक सीखा? हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ज़्यादा उत्साह में आकर के जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। देखिए, बार बार आज भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि अगर आपको कोविड से बचना है या कोविड को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ, आपको ये तीनों चीज़ तो अपने जीवन में आपको ढालना पड़ेगा, अन्यथा ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। तो जो कुछ लोगों ने गलतियां की हैं, मुझे लगता है कि उनसे भी निवेदन, सबक लें, और मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ी लड़ाई है वो लड़ाई कोविड के खिलाफ दिल्ली सरकार लड़ रही है और दिल्ली की जनता के साथ मिलकर लड़ रही है। तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति कोविड फैलाने का कारण ना बन जाए, सोर्स ना बन जाए या विक्टिम ना हो जाए, ये ध्यान तो इंडिविजुअली रखना पड़ेगा, अन्यथा ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। तो मैं मानता हूँ जो कुछ भी जिन लोगों ने आज कोविड ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, इसको आज के बाद से सबक लेंगे, क्योंकि आज के बाद से कोविड पेशेंट यहाँ आना शुरू हो जाएगा। अगर ये गलती होगी तो फिर उसका शिकार होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी गलतियाँ आगे से ना हो। आपकी विधानसभा को खासतौर पर कितना फ़ायदा मिलेगा इस हॉस्पिटल के बनने के बाद? देखिए, मेरे विधानसभा के बीच में है,
तो ये मेरे विधानसभा के लोगों का ही सबसे ज़्यादा फायदा मुझे मिलेगा और सबसे ज़्यादा विक्टिम भी हमारे विधानसभा के लोग थे, क्योंकि यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो बरसों से लोग संघर्ष कर रहे थे, आज उसका समाधान मिला है। बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये हॉस्पिटल है, आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 450 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है और यहाँ पे वेंटिलेटर से लेके आईसीयू की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे क्योंकि बुराड़ी में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित थे, संक्रमित थे हॉस्पिटल में, इस चीज़ को लेके यहाँ पे यहाँ शुरुआत करी गई है। और यहाँ पे माना जा रहा है कि आज शाम से जो संक्रमित मरीज हैं वो इस हॉस्पिटल में आना शुरू हो जाएंगे। और विधानसभा बुराड़ी विधानसभा की अगर बात करें तो उसके आसपास के जो तमाम विधानसभाएं हैं, तमाम लोग जगह है, उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि एक के बाद एक उन जगहों पे हॉस्पिटल खोले जाएं जहां पे सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इसकी की शुरुआत करते हुए यहां पे बुराड़ी विधानसभा के बीच शहर में इसको खोला गया है। 450 बेड का ये हॉस्पिटल है और यहां पे अब कल से यहां पे उन मरीजों को लाना शुरू हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना की लड़ाई में एक कदम और आगे बढ़ाया गया है और कहीं ना कहीं लगातार एक बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर मुहैया कराने का प्रबंध किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने भले ही इस नए अस्पताल का उद्घाटन किया हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत बाद में क्या होती है ये सभी जानते हैं, क्योंकि जब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना हुआ था तो वो खुद मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जो एक निजी अस्पताल है। देखने वाली बात होगी कि इस कोविड अस्पताल में बुराड़ी और बाकी दिल्ली के कोरोना पीड़ितों की कितनी मदद हो पाती है। शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।